सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चुनाव है गाजियाबाद सीट पे, क्या माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो इस समय दो तरफा ही मानो आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है सपा, तो दो तरफा है। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी है, वो तो रहेगी, वो कभी दूर नहीं होगी चाहे कोई भी सरकार आ जाए। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, ऊपर से भगवान आ जाए तब भी वो ख़त्म नहीं होगा, ये बेरोजगारी रहेगी। अभी आप लिख लो, है कोई और नहीं, है तो सिर्फ मोदी, फिर के वोट जाने देनी वही है। आज दारू नहीं बढ़ती, आज फ्री के जुमले बढ़ते हैं, तुम्हें बताओ तो किसी भी सरकार को बनाने के लिए। जो कुछ कर रहा है मोदी अच्छा कर रहा है, 10 साल में बहुत कुछ कर रहा है उसने। गाजियाबाद में तो मेरे ख्याल से अभी कुछ भी नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, मैं आपको हकीकत बताऊँ। 2 पैसे कमाओ अपना खाना है, उसमें भी कोई सहायता नहीं है किसी चीज़ की। देखिए कहने के लिए तो मोदी जी ने बहुत कुछ कहा है, चाहे रोजगार को लेकर कहा हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर कहा हो, लेकिन ऐसा कुछ दिखता है नहीं। कहने की बात अलग है लेकिन दिखता है आपको भी, अगर रोजगार दिया हुआ होता तो जो पब्लिक है या फिर जो युवा है वो अपने स्टार्टअप को लेकर जागरूक नहीं होता, वो अपनी पढ़ाई को लेकर जागरूक। से में आपका स्वागत है। हम गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर है, ये संजय नगर सेक्टर 23 है। मैं प्रत्याशी की बात करूं तो यहां से भाजपा से अतुल गर्ग और इंडिया गठबंधन से डोली शर्मा जी यहां चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ बसपा से नंद किशोर पुंडीर जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सेक्टर 23 में है और यहां के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। क्या नाम हुआ अपना? चुनाव की जी नंद किशोर। आपका भी नंद किशोर है। चलिए चुनाव की बात कर रहे थे, गाजियाबाद लोकसभा सीट है, क्या देख रहे हैं, किसको ला रहे हैं इस बार? यहाँ तो मोदी का चक्कर है, सब मोदी का। क्या अच्छा लग रहा मोदी जी में? अब अच्छा तो बुरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा सबका मोदी पे नाम है। अच्छा तो कुछ काम अच्छे लगे मोदी जी के या किस उस पर वोट कर रहे हैं आप, क्या अच्छा दिख रहा है आपको? यहाँ तो मोदी मोदी कह रहे हैं सब, मोदी चल रहा है कोई है ही ना, मोदी चल रहा है। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं लाइन में, उनका क्या रहा होगा फिर? अच्छा चलिए, उनका कहा। अच्छा, आप मोदी की तरफ है? हम तो किंगे बिना हमारी वोट ही ना साली, वोट ही ना है और हाँ वोट ही ना हमारी तो। जी भैया जी नमस्ते। नमस्ते भैया जी, क्या नाम हुआ अपना? और संदीप कुमार जी। संदीप जी, क्या लग रहा है यहाँ चुनाव है गाजियाबाद सीट पे, क्या माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो इस समय दो तरफा ही मानो आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है सपा, तो दो तरफा है और ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, पब्लिक किधर की तरफ झुकाव ज़्यादा है उसका। पब्लिक अब समझदार हो चुकी है तो पब्लिक चारों तरफ देख रही है, किसी भी चीज़ को सर्च करने के बाद तब डिसाइड करिए हाँ कौन अच्छा कौन बुरा है, तो उसके भी हाफ पर वोट है। अभी जैसे कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको समझ रही है कि कांग्रेस क्या लेकर आई है अपने मैनिफेस्टो में और बीजेपी क्या लेकर आई है, तो अभी पढ़ी लिखी युवा है वो अपने हिसाब से वोट करेगी अब जो भी है, लेकिन अपना जो वोट है कांग्रेस की तरफ भी ज़्यादा है इस समय, बीजेपी का इतना कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, बाकी देखो क्या होता है। इंडिया गठबंधन को आप कह रहे हैं थोड़ा माहौल बन रहा है? हनिया गठबंधन का इसलिए माहौल बन रहा है, जो युवा है पढ़ा लिखा हो चुका है तो पढ़े लिखे होने के बाद वो देख रहा है कि इस चीज़ को समझ रहा है, सोच रहा है क्या सही है क्या गलत है। रोजगार आप कह रहे हैं प्रमुख मुद्दा है? हाँ वो सभी जगह प्रमुख मुद्दा है, यहाँ पर रहेंगे तो भी रोजगार मुद्दा रहेगा आपका, या किसी अदर सिटी में जाएंगे तो भी रोजगार रहेगा, क्योंकि युवा इस समय पढ़ाई पर जो जोर दे रहा था, युवा पढ़ाई के बाद चाहता है कि मुझे कुछ मेरे हिसाब से मिले, ये नहीं है उसे पढ़ाई के बाद भी मैं पकौड़े तल रहा हूँ या फिर कोई ऐसा स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो वो गलत है। देखिए कहने के लिए तो मोदी जी ने बहुत कुछ कहा है, चाहे रोजगार को लेकर कहा हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर कहा हो, लेकिन ऐसा कुछ दिखता है नहीं। कहने की बात अलग है लेकिन दिखता है आपको भी, अगर रोजगार दिया हुआ होता तो जो पब्लिक है या फिर जो युवा है वो अपने स्टार्टअप को लेकर जागरूक नहीं होता, वो अपनी पढ़ाई को लेकर जागरूक होता, और छोटे छोले कुलचे बेचना है या पकौड़ी बेचना है या कोई रोजगार नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं बदलाव आप चाह रहे हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे अच्छे लेवल पर, अपने 10-15-20 साल दोगे अपने कैरियर के लिए और उसके बाद आपको आपके हिसाब से जॉब नहीं मिलेगी तो आप क्या चाहोगे? आप यही चाहोगे ना कि मैं कुछ भी करूं लेकिन ऐसा एक नेता हो मेरे लिए जो मेरे हिसाब से मेरे लिए सोचता हो। नमस्ते अंकल जी। चुनाव की बात कर रहे थे, गाजियाबाद में क्या देख रहे, क्या माहौल बना रहे आप चुनाव को लेकर? अभी तो कुछ दिखाई ना दे रहा है, प्रत्याशी भी है अतुल गर्ग जी है, डोली शर्मा जी है, क्या लग रहा है इनमें, किसको देख रहे हैं? इधर नंद किशोर पुंडीर जी भी है बस पर, दोनों में रहेगी टक्कर, डोली में और उसमें।
क्योंकि वो पहले भी रह चुका है। अब देखो बाकी पब्लिक है क्या। सरकार के काम कैसे रहे, 10 साल हो गए मोदी जी? सरकार के काम तो सही रहे हैं, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है सही काम कर रहे हैं भाई। दोनों लोंडे बढ़िया काम कर रहे हैं, सेंट्रल में मोदी और स्टेट में योगी भाई। बाहर भी अच्छा ही काम करा है, देश विदेश में भी, हमारे यहाँ भी कई एक योजनाएं भी चला रखी हैं मोदी जी ने, जिनका फायदा भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग तो भाई नाराज भी है कि भाई रोजगार जैसी समस्या पैदा। जो आदमी सत्ता में होता है उससे कुछ माफिक भी होते हैं, कुछ खिलाफ भी होते हैं, सभी तरह के आदमी होते हैं। और बाकी ये है कोई और नहीं है तो सिर्फ मोदी, फिर के वोट जाने देनी वही है, और कोई है भी नहीं जो इस लेवल का कोई हो नेता। लोकतंत्र है, और भी पार्टियां है भाई, डोली शर्मा भी है। डोली शर्मा भी है, देखो उसने पहली बार मेहनत करी, अब भी कर रही है। मेयर के लिए लड़ रही है, एमएलए के लिए लड़ रही है, अब एमपी के लिए लड़ रही है। तो कैसे क्या देख रहे हैं आप गाजियाबाद में भी भाई, क्या माहौल बनेगा कल वोटिंग भाई? हमारे हिसाब से तो बीजेपी है। बीजेपी है, तो क्या अच्छा लगता है बीजेपी में, किस तरह के? कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। राहुल गांधी तो आपकी मर जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का जो है आधा हिस्सा जो है कानून बना देंगे कि वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, और गरीबों में बांट देंगे। वो तो सबका एक्सरे कराएंगे, आपके पास घर में कितने सोना चांदी रखा है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, मरने के बाद से वो आपकी प्रॉपर्टी, आपके बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, आधा प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को लेकर गरीबों में बांट देंगे। वो ये कहाँ से पता चला? ये रोज टीवी में आ रहा है। तो क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी की सरकार में आपको? अरे मोदी जी के मैं तो कम से कम देश का जो है सिर तो ऊंचा हो रहा है, और जो कुछ है बेरोजगारी है तो बेरोजगारी है वो तो रहेगी, वो कभी दूर नहीं होगी चाहे कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन बेरोजगारी देखे तो उसकी दर बहुत बड़ी है पिछले 10 सालों में। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, ऊपर से भगवान आ जाए तब भी वो ख़त्म नहीं होगा, ये बेरोजगारी रहेगी। अभी आप लिख लो, और 5 साल बाद भी या चाहे 10 साल बाद भी सरकार कोई बदल जाए, कोई भी आ जाए, ये खत्म होने वाली ना है। मैं जो देख रहा हूँ, जो इतने से बच्चे से लेके इतने बड़े बच्चे तक भी सब नशे वाले हो रहे हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई फ्लूट सूंघ रहा है, और बेरोजगारी तो तुम्हें पता ही है, बेरोजगारी तो बढ़ी रही है। कोई सी भी गवर्नमेंट आ रही कोई एक्शन नहीं लेती। हम पुलिस को फोन करते हैं, यहाँ खूब जुआ खेलते हैं बच्चे, पुलिस आती है उन्हें पकड़ने की जगह सायरन बजाती आएगी तो वो पहले ही भाग जाएंगे। भाई सायरन बजा के क्यों आते हो तुम, चुपचाप आके पकड़ो ना। तो सर तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम है कार्य के लिए, देश के हिसाब से बहुत अच्छा है, हमारा देश ऊपर पहुंच रहा है, चौथे पायदान पे है इकोनॉमिक में भी, वैसे भी हर तरीके से उस हिसाब से अच्छा है। लेकिन अपना घर भी तो सही होना चाहिए, जब अपने बच्चे सही नहीं है तो बाहर जाके हम क्या करेंगे, अपना देश ही जब तो सुधरेगा। बहुत से आंकड़े कह रहे हैं बेरोजगारी की दर जो है बड़े ऊंचे स्तर पर है, क्या ये भी समस्या नजर आती है आपको? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये मोबाइल ने बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ाई है ना। आज का बच्चा काम करके राजी नहीं है, मोबाइल पे खेलने के राजी है, कोई बच्चे ये नहीं सीखना चाहता कि मैं कुछ कुछ कर लूँ। लेकिन मोदी जी जब आए थे 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, और भी कई सारी चीज़ों की बात की थी, उन पर क्या काम हुआ या नहीं हुआ? जुमले तो हर एक सरकार देती है, कोई भी आएगी वो जुमले ज़रूर देगी। वो जुमला दिया, हाँ वो सबने जुमले दिए, आज तक ही दिए, किसी ने भी आज तक कुछ नहीं दिया। आज दारू नहीं बढ़ती, आज फ्री के जुमले बढ़ते हैं, तुम्हें पता हो तो, किसी भी सरकार को बनाने के लिए ये सबसे बड़ी बात है। तो गाजियाबाद में क्या देख रहे हैं, क्या किधर जाएगी पब्लिक? गाजियाबाद में बीजेपी भी जाएगी जी, बीजेपी पे। हाँ गाजियाबाद नहीं कि 100% बीजेपी ही सरकार आएगी, वो तो दिल में बैठ चुका है, इस टाइम कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई अपना पैसा खराब करेगा तो बेकार में कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। तो 400 पार का नारा दे रहे लगे आप? 400 पार हो या ना हो, लेकिन 100% सरकार तो मोदी की है, जो हमारे उससे है, क्योंकि हम जिससे मिलते हैं वो कहते हैं मोदी सरकार। यहाँ सांसद नहीं देखा जा रहा, यहाँ सिर्फ मोदी को देखा जा रहा है, मोदी के चेहरे को आप? मैं सभी मोदी के चेहरे को देख रहे हैं, मैं ही नहीं देख रहा, मैंने जिससे पूछा वो मोदी को बताता है। गाजियाबाद की अगर बात करूँ कि भाई यहाँ के जो आम आदमी के बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, उन पर कितना काम कर पाई है सरकार? गाजियाबाद में तो मेरे ख्याल से अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना तो यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊँ, अगर आपके बच्चे को किसी को चोट भी लग जाएगी ना, और उसका ज़्यादा सीरियस है, तो यहाँ पे से सीधा गुरुतेग बहादुर रेफर, और गुरुतेग से सीधा एम्स रेफर। मतलब यहाँ भी एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो पूरे क्षेत्र को कवर कर सके, मेरठ तक के भी। नमस्ते अंकल जी, बात हो जाएगी जी? गाजियाबाद सीट है ये, चुनाव की हम लोग बात कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल बनेगा इस सीट पर? माहौल हमारा तो देखो जी, मोदी जी को वोट जाएगा, हम तो बीजेपी के कट्टरपंथी कट्टर है जी,
हमेशा से डालते आए बीजेपी को ही वोट दें। अब कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट से मतलब नहीं। तो क्या अच्छा लग रहा है आपको सरकार में? सरकार में सब कुछ अच्छा किया है, इससे ज़्यादा क्या अच्छा करेंगे। लेकिन ये एक एक, एक तरह से गाजियाबाद जो है बीजेपी का गढ़ है एक तरह से, तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को भाई? इस बार और भी प्रत्याशी हैं मैदान में, तो देखो हम तो वोट उसी को देंगे, मोदी जी को ही। जी नमस्ते अंकल जी। जी क्या लग रहा है जी चुनाव में? लगा लगाया है, लगाना क्या है? क्या देख रहे, किसको ला रहे? गर्ग आ रहा है, अतुल गर्ग आ रहा है। अतुल गर्ग पक्का 2% कोई नहीं रोक रहा। तो क्या और भी तो है प्रत्याशी, और भी तो मैदान? अरे प्रत्याशी तो कितने ही आ जाए, आज तक कुछ करा है प्रत्याशियों ने जो अब करेंगे? कांग्रेस ने पहले कितने लोगों को दिया बताइए, आप ही बताइए। जो कुछ कर रहा है मोदी अच्छा कर रहा है, 10 साल में बहुत कुछ कर रहा है उसने। क्या अच्छा थोड़ा सा बताइए कि क्या अच्छा लगता है? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा तो बात अलग है, नरेंद्र हाईवे बन रहे हैं और तुम्हारा जगह 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 जो है विकास कार्य हो रहे हैं। पहले जो यहाँ कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी जितनी अब है, हर तरह से आदमी रोजगार भी मिल रहा है अब एकदम, तो कोई जादू की छड़ी तो ना किसी और के पास है ना मोदी जी के पास है, ये समझे ना। 70 में हमारी इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, आज तक नहीं हटी ना हटेगी, कहानी है। अब भी हमारे देश में 10 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिन्हें एक ही टाइम खाना मिलता है। यह असमानता दूर करनी है, बस यही लक्ष्य होना चाहिए कि गरीबी किसी तरह से ख़त्म हो। तो मोदी जी काम में मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से गरीबी भी घटी है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, वो लोगों को बैंक भी आसानी से लोन मिल रहा है जो थोड़ा बहुत अपना काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ी ना कि पकौड़ी बनानी सिखा दो, पकौड़ी तो अपने आप ही सीख लेगा बंदा जब कुछ काम ही नहीं मिलेगा तो। जी क्या नाम अपना? मेरा नाम श्री टुनटुन चौहान है। जी चौहान साहब, चुनाव की बात कर रहे थे, तो गाजियाबाद सीट है, क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप? मोदी जी का लहर चल रहा है जी। मोदी जी का? हाँ जी। तो क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी का? बढ़िया है सब चीज़। आप यही काम करते हैं, फल बेचने का? हाँ फल बेचने का। तो परिवार चल जाता है मजदूरी में से? हाँ जी, जब बीसी से करना है तो चलता ही है। तो मोदी जी ने कुछ किया आप रेडी पटरी वालों के लिए कुछ? हाँ लोन करवाए थे। आपको मिला लोन? आया था लेकिन मैंने लिया नहीं। लिया नहीं आप? काम से ही चलता रहा? हाँ काम से ही चलता। नमस्ते भैया जी, यही गाजियाबाद से हो आप? हाँ जी। अच्छा चुनाव की बात कर रहे थे, हाँ बोलो। क्या लग रहा जी, क्या माहौल बना रहे हैं यहाँ, किसे जिता रहे? मोदी आएगा और कौन आएगा? सब मोदी आएगा। क्या अच्छा लगा मोदी जी में? मोदी है, सबके देख कर रहा है आपके। क्या करते हैं आप ऐसे? मैं ठेली लगाता हूँ। अच्छा, तो ठेली वालों के लिए क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने कार्ड बनवाए हैं उनका, इलाज वाला फ्री वाला। अच्छा आयुष्मान कार्ड? हाँ। तो आपको मिला है? हाँ। तो गाजियाबाद की अगर बात करूँ तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं हुई है 10 सालों में मोदी जी? यहाँ लैट्रिन बाथरूम बनवाए हैं गरीबों के लिए, साफ सफाई करवाई है इधर, और बहुत कुछ करवाने के चक्कर में रह रहे हैं अभी, आगे देखो अभी क्या होता है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी, बात हो जाएगी? क्या नाम अपना जी? अशोक कुमार। अशोक जी, चुनाव की बात कर रहे थे, गाजियाबाद सीट है, क्या लग रहा है आप, किस तरह से देख रहे हैं यहाँ, कौन है, क्या बताएं? किसे जिता रहे गाजियाबाद में? माहौल तो बेकार ही हो रहा। किस तरह का माहौल हो रहा वही तो पता करना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगा, कौन जीत रहा है इस बार, कि पब्लिक किधर जाएगी गाजियाबाद की? अब ये तो कह नहीं सकते भाई, पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है। आप किधर जा रहे हैं? हम तो मोदी की तरफ से हैं। मोदी की तरफ से? क्या अच्छा लगा मोदी जी में, ऐसा क्या काम आपको अच्छे लगे? भाई सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का मुद्दा आपको? मतलब ये तो माहौल मतलब ठीक चल रहा है, नहीं तो लूट मार मार काट ये हो रही थी, लोग बंद हो गई, लोग छीना जपती थी वो कम हो रही है, और भी कई सारी चीज़ें हैं भाई, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इन सब पर भी काम हुआ। बेरोजगारी तो है ही है, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, ना मोदी रोक सके ना कांग्रेस रोक सके। सरकार है उनकी, उन्होंने भी कहा था कि भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन बेरोजगारी तो बुजुर्ग आदमी है, 2 पैसे कमाओ अपना खाना है, उसमें भी कोई सहायता नहीं है किसी चीज़ की। बच्चे तो होंगे उनको तो नौकरियां चाहिए, किसी को भी नौकरी नहीं है। लेकिन आप फिर भी मोदी जी को वोट कर?
उम्मीद तो यही करें। वही तो पता करना चाह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? वोट तो जानी जानी है, मोदी ने बहुत कुछ करा, कोई कन्या को थोड़ी कमी थोड़ी करी है। वही समझना चाह रहे थे भाई, बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी नहीं है, फिर भी रोजगारी तो बहुत है, सब चीज़ दे रहे हैं, देखो लोन भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं मोदी जी, गरीब आदमी को सहायता पूरी कर रहे हैं आज की डेट में, कोई ऐसी बात थोड़ी है। हमने भी 4 दफ़े लोन ले लिया, 2-3 दफ़े ले लिया, मोदी जी का और कैलेंडर भी है, वो भी मिला हुआ है हमें, सब चीज़ मिला हुआ है, और सब चीज़ देखो हर चीज़ का सुविधा भी कर रही हैं, रोड भी है, हर चीज़ बना रहे हैं, पहने को कुछ भी कहे जाओ ना। तो अगर देखा जाए भाई, रोजगार पक्का रोजगार मिल जाए तो क्या लोन की ज़रूरत पड़ेगी आदमी को, आम आदमी को? देखो ये तो पक्का, देखो हर किसी को थोड़ी खर्चा का है, अब हमने कहना कहा हमें सब चीज़ मिल जाओ, अब घर में 4 मेंबर है तो 4 मेंबरों को एक सही थोड़ी बन जाएगा, ये देखो ना अब तो मोदी जी जितना कर रहे हैं इतना तो कोई कर भी नहीं सकता। 4 में से कुछ तो मिले लोग, मिल तो रहा ही है मिलने को, तो अब मुझे भी मैं भी कहूँ कि मैं मोदी को सिर पर बैठ जाऊँ तो मैं थोड़ी बैठ जाऊँगा, क्यों जी बताओ, तो जिसका जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है, फिर सही कर रहे हैं मोदी जी, ये तो चल रहा है। हम लोग गाजियाबाद के लोकसभा सीट पर थे, ये संजय नगर सेक्टर 23 पर हम लोगों ने बातचीत की, लोगों का मानना है कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है उनके लिए ठीक काम कर रही है, और देखा जाए तो इस सीट पर ये बीजेपी का गढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के पास ये सीट रही है पहले से ही, और देखना ये होगा कि कल यहाँ चुनाव है और चुनाव में पब्लिक किसका रुख करती है। जुड़े रहे आप CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी, धन्यवाद।